गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा था मल्टीप्लिकेशन ऑफ साइन बिट नंबर फॉर 8 बिट नंबर फॉर 8 बिट टू नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन। नाउ वी स्टार्ट इन दिस वीडियो लेक्चर वी कैन प्रूव 16 बिट मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नंबर्स हाउ टू इन साइन नंबर। साइन नंबर के हमें अभी एडिशन पर मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करना है फॉर 16 बिट के लिए, तो उसके लिए हमें इंस्ट्रक्शन चाहिए आर मल इंस्ट्रक्शन फॉर 16 बिट मल्टीप्लिकेशन। तो 16 बिट की मल्टीप्लिकेशन हमें परफॉर्म करनी है तो उसके लिए हमें आज प्रोग्राम पढ़ना है। ठीक है, तो डायरेक्टली हम टासम फाइल ओपन करते हैं जो हमने अनसाइन नंबर के लिए मल्टीप्लिकेशन पढ़ा था 16 बिट का, वही हमें पढ़ना है। सिर्फ उसमें एक चेंजेस करना है, वो मैं बता देती हूँ क्या चेंजेस है, तो वो प्रोग्राम पूरा बता देती हूँ। ठीक है, ये था हमारा 16 बिट का प्रोग्राम। ठीक है, डॉट मॉडल स्मॉल डॉट डेटा में हमने दो वेरिएबल लिया है num1 num2 एंड लोअर डिजिट स्टोर करने के लिए एंड मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट सेव करने के लिए हमने वेरिएबल दिया है। ठीक है, मू ax कॉमा एट द रेट डेटा और मू ds कॉमा ax। तो ये क्या क्या हमने इनिशियलाइज किया डेटा को, डेटा सेगमेंट को हमने इनिशियलाइज किया, मूव किया num1 की वैल्यू, जो num1 की जो वैल्यू है वो हमने मूव किया है इन एक्स रजिस्टर। क्योंकि एक्स रजिस्टर क्यों लिया है, क्योंकि हमारा 16 बिट का मल्टीप्लिकेशन हम अभी परफॉर्म करने वाले, इसलिए मैंने एक्स रजिस्टर यहाँ पे यूज़ किया। अगर यहाँ पे 8 बिट का होता तो मैंने बताया लास्ट वीडियो में AL वेरिएबल AL रजिस्टर क्यों यूज़ किया था, तो यहाँ पे हमें AX रजिस्टर में डेटा को सेव करना, num1 की वैल्यू हमें यहाँ पे सेव करना है और हमें मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करना है यूजिंग साइन नंबर। साइन नंबर के लिए हम IML इंस्ट्रक्शन का यूज़ करते हैं। num1 और num2 का हमें मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करना है। अगर मल्टीप्लिकेशन में लोअर सिग्निफिकेंट बिट अगर जनरेट होता है तो हमारा रिजल्ट स्टोर होना चाहिए रिजल्ट _LSB रिजल्ट में। अगर हमारा रिजल्ट मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट में का होता है जनरेट होता है तो हमारा रिजल्ट जो है वो सेव होना चाहिए हमारा रिजल्ट _MSB में। तो पहले हम इसको सेव एज कहते हैं, फाइल का नाम हम चेंज कर देते हैं क्योंकि हमने अभी साइन परफॉर्म किया है। ठीक है, यही रख देते ओके। ठीक है, एग्जिट टासम फाइल हम कंपाइल करने के लिए यूज़ करते हैं टासम मल 16.asm फाइल। ठीक है, उसके बाद टी लिंक परफॉर्म करते हैं फॉर परफॉर्मिंग लिंकिंग ऑफ असेंबली लेवल लैंग्वेज, तो मल 16। उसके बाद हमें TD एग्जीक्यूट करना है। TD मतलब होता है परफॉर्म द एग्जीक्यूशन ऑन टासम फाइल टासम डॉस, तो इसीलिए हमें TD मल 16.exe फाइल एग्जीक्यूट करना है। तो .exe सॉरी कमांड मेरी गलत हो गई, मल 16.exe फाइल। ठीक है, हमारा फाइल ओपन हो चुके हैं। अब जो ऊपर के दो लाइन होते हैं वो है हमारे डेटा इनिशियलाइजेशन सेगमेंट। अब सेव करते हैं, मल्टीप्लिकेशन जनरेट करते हैं और AX में हमारा रिजल्ट जो है वो सेव होता है। तो हमारा रिजल्ट क्या मिला हमें, एडिशन जो भी मल्टीप्लिकेशन है वो कितना मिला, 0120। ये हमारा रिजल्ट हमें यहाँ पे मिला, मतलब दोनों के जो मल्टीप्लिकेशन है वो कितना मिला हमें, 120 हमारा मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे मिला है। अब फाइल को क्वाइट करते हैं और यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। तो आज हमने मल्टीप्लिकेशन ऑफ साइन नंबर ऑफ 16 बिट बाइनरी नंबर 16 बिट का नंबर दो मल्टीप्लिकेशन हमने आज परफॉर्म कर किया है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे डिवीजन कैसे परफॉर्म करते हैं फॉर अनसाइन एंड साइन नंबर। थैंक यू।